आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि जिनकी जयंती हम मना रहे हैं। जब देश आजाद हुआ उस समय संविधान लिखने की बात आई तो सबसे पहले नाम आज देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। वहीं आज विदिशा के पठारी में बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि सम्मानित ठाकुर देवेंद्र सिंह जी सरपंच ग्राम पंचायत पठारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अहिरबार समाज संघ जिला उपाध्यक्ष श्री तेज सिंह जी, जिला सचिव एवं अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष पुरुषोत्तम अहिरबार, तहसील अध्यक्ष दमरू लाल जी, रमेश कुमार दोजी लाल काशीराम, बारे लाल पठारी महेंद्र राम गौड़, शिक्षक रवि शंकर, शिक्षक डॉक्टर बलराम बंसकार, मनोज कुमार, शिक्षक पर्वत सिंह, शिक्षक माकी आरती अहिरबार आदि उपस्थित हुए एवं समस्त समाज प्रस्तुति हुई। अधिक जानकारी के लिए आए देखते हैं बिस्सा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है, जिनकी जयंती हम मना रहे हैं। जब देश आजाद हुआ उस समय संविधान लिखने की बात आई तो सबसे पहले नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया गया था। वो नाम इसलिए दिया गया था कि देश की आज़ादी के पहले अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग अपना जीवन अधिकार साथ नहीं जी पा रहे थे। जब संविधान बनाया तो बाबा साहब ने संविधान में सभी वर्गों को अधिकार दिए, चाहे महिला हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, सामान हो, सबको अधिकार दिए। बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया कि विदेशों में भी संविधान नहीं बना। तो भारत के संविधान के लिए सभी लोग कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत अच्छा संविधान है, या नियम है, कानून है, कायदे हैं। आज का बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो आप नौकरी नहीं कर पाते। ऐसी समस्या पठारी की थी। काफी लोग बार बार ज्ञापन देते रहते थे अम्बेडकर भवन के लिए। उस समय के प्रभारी मंत्री राजा भूपेंद्र सिंह जी थे, हमने उनसे अनुरोध किया कि हमारे गाँव में काफी जाति जनजाति के लोग निवास रहते हैं, वो गरीबी भी है तो ना वो ब्याह शादी कर पाते हैं, ना कुछ बाहर कहाँ जाएं, घर से भी ऐसी शादियाँ होती हैं, उनको कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। उन्होंने सीएम साहब को जगह तत्काल इसकी सूचित दिलवाई। ये दूसरी जगह बन रहा था तो उस समय महेंद्र राम गौड़, बारे लाल, इन सब लोगों ने क्या बन दिया खड़ग साहब के लिए, कहते हैं हमें इस तरह से बनाए। काफ़ी बार था ये अम्बेडकर का निर्माण नहीं हो पा रहा था, काफ़ी विलम्ब हो गया था उसके लाने। तो हमें उस समय सोचा नहीं कि कलेक्टर से मुझे बुलाया उन्होंने, उन्होंने कहा कि देखिए जी जब वो अम्बेडकर भवन अधूरा रह जाएगा तो बन नहीं पाएगा, आप उसका सहयोग करें, हमका हमारा पूरा सहयोग है, किसी प्रकार का ये नहीं कि हमारा कोई खास आदमी उनको बनाना नहीं। उन्होंने उससे उस सेकंड दिन ही, हम तो उस दिन में थे, उन्होंने तत्काल तहसीलदार और अपने मिठाई खाने की खोज सारी व्यवस्था करके एम्बुलेंस से लेके यहाँ काम शुरू करवा दिया। और अच्छा लगा कि अम्बेडकर भवन का निर्माण हो गया। आप लोगों का कार्यक्रम भी होते हैं, वर्ग कार्यक्रम होते हैं, जैसे हमारे भाई मनोज ने कहा कि अम्बेडकर जी की मूर्ति की यहाँ स्थापना करवाना है, निश्चित रूप से पूरा प्रयास करके आपको प्रस्ताव चाहिए है, हमसे जो सहयोग चाहिए है, राशि के रूप में चाहिए है बाबा साहब की, क्योंकि जगह जगह हमने देखे बड़े बड़े गांव हैं वहां बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति लगी है, लेकिन पठारी में नहीं लगी है। तो आप सबका मांग है उसको पूरी की जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।